ओम शांति। बाबा ने हम सभी को निर्विघ्न जीवन जीने की बहुत सुंदर प्रेरणा दी है। जो स्वयं विघ्न विनाशक हैं, उनके आगे भी यदि विघ्न आएंगे तो बाकी संसार के लोगों का क्या हाल होगा। हम अपनी शक्तियों को पहचानें, उनकी स्मृति में रहें और विघ्नों को योग बल से, संकल्प बल से और पवित्रता के बल से समाप्त करें, लक्ष्य बना लें। बाह्य विघ्न तो भले ही आते हैं, लेकिन हमारी स्थिति में विघ्न न हो, हमारे संकल्पों में विघ्न न हो, हमारे अपने संस्कार हमारे लिए और दूसरों के लिए विघ्नकारी न बने हुए हों, हमारा जीवन जीने का तरीका इतना सुंदर और सरल हो कि हम छोटी मोटी बातों को तो सहज ही पार करते चलें, उनमें किसी भी तरह के विघ्न की हमें महसूसता न हो। विघ्न तो आते हैं, बहुत सारे विघ्न पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आते हैं, बहुत सारे विघ्न मनुष्य के मनोविकारों के कारण आते हैं, क्रोध के कारण आते हैं, लोभ के कारण आते हैं, अपवित्रता के कारण आते हैं। हम अपनी पवित्रता को मजबूत करते चलें। पवित्रता हमारा सबसे सुंदर सब्जेक्ट है। बाबा आया ही है हमें पवित्र बनाने, और पवित्रता का सुख परम सुख होता है। पवित्रता के आधार पर ही पूजा होती है। पवित्रता स्थापना के कार्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि हम धर्म की भी स्थापना कर रहे हैं और देवी स्वराज्य की भी स्थापना कर रहे हैं। पवित्रता के द्वारा धर्म की स्थापना में बल मिलता है, और बाबा ने हम सभी को, अनेक बच्चों को पवित्र बना दिया है श्रेष्ठ धर्म की स्थापना के लिए। तो हम चेक करेंगे हमारे अंदर कोई सूक्ष्म भी अपवित्रता तो नहीं है, काम की इच्छाएं तो नहीं है, देह का आकर्षण तो नहीं है, हमारे स्वप्न पवित्र होते जाते हैं। कोई कह सकता है कि स्वप्न थोड़ा ही हमारे हाथ में होते हैं, पर यदि हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो, अगर हम अपने योग अभ्यास पर बहुत ध्यान दें, अगर हम अपनी दृष्टि को आत्मिक बनाएं, दैहिक दृष्टि से अपने को मुक्त करते चलें, तो हमारे स्वप्न भी बहुत श्रेष्ठ होंगे, सतोप्रधान होंगे। हमारी स्वप्नों की पवित्रता हमारी बाह्य पवित्रता को प्रत्यक्ष करती है। अर्थात अगर हम बाह्य रूप से बहुत पवित्र हैं तो स्वप्न भी पवित्र हैं, और अगर स्वप्नों में किसी तरह की अपवित्रता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि आत्मा में, मन में, संस्कारों में कहीं ना कहीं अपवित्रता बाकी है। तो एक तरह से स्वप्न हमारी स्थिति के दर्पण होते हैं। हम स्वप्न जिस तरह के देखते हैं, हम अपनी स्थिति को उस आधार से जांच करें। बहुत सारे स्वप्न तो अनावश्यक होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं, कोई अर्थ उनका नहीं होता, उन पर हम ध्यान न दें, पर कुछ स्वप्न अवश्य हमें हमारी स्थिति का एक आईना दिखा देते हैं। तो आइए हम सभी अपने जीवन को निर्विघ्न बनाएं, अपनी पवित्रता के प्रकाश को संसार में फैलाएं। हमारी पवित्रता का प्रकाश बहुत जबरदस्त प्रकाश है, हम इसके महत्व को समझें। और आज सारा दिन हम इस पवित्रता को बढ़ाने के लिए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे, अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, ताकि हमारी कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाएं, और साथ साथ स्वमान लेंगे, मैं फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। अपने स्वरूप को देखेंगे कि मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल न्यारी हूँ,
न्यारेपन का अनुभव, ये अलग देह और मैं आत्मा अलग, और सबको भी जब देखें इस नजर से, ये सब पवित्र आत्माएं हैं, मूल रूप में सभी आत्माएं पवित्र हैं। सारा दिन आज इसकी धुन लगाएंगे, इससे पवित्रता की शक्ति भी बढ़ेगी और हमारा जीवन निर्विघ्न भी बनेगा। ओम शांति।